हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही, आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है फान। मेरा नाम अंसूर सुगैद है। मैं एक और नई वीडियो के साथ काफी मस्त किस्म की वीडियो लेके आए हैं। अभी इसमें आज हम जानेंगे भाई, इंडिया सुजुकी मारुति XL जीटा, मतलब ये 11 लाख रुपए की है ना, 11 लाख इंडियन रुपीस है। अभी इसमें आज हम जानेंगे भाइयों के पाकिस्तानी पब्लिक इस पे क्या रिएक्शन करती है, मतलब क्या कहती है, सस्ता बोलती है, महंगा बोलती है, ये तो देखकर ही पता चलेगा। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इंडियन रुपीज या लाख इंडियन के डॉलर? नहीं नहीं, ज्यादा बताइए। वाली गाड़ी कितने की होगी? ये 70-80 लाख, 1 करोड़ छुपा। आप क्या देख रहे हैं सर? कैसे हैं? अल्लाह की शुक्र। आपका नाम? मोहम्मद अवैस। अवैस भाई, क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, ज्यादा बिजनेस भी कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताएंगे गाड़ियों का शौक है आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक गाड़ी दिखाऊंगा। आपने मुझे पहले ये बताएंगे पाकिस्तान में कौन सी गाड़ी आपको? सुजुकी मारुति है ना। पाकिस्तान में वैसे जो ऑडी चल रही है वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, बाकी इसके अलावा नहीं कोई? अच्छा, मैं आपको एक गाड़ी दिखाऊंगा, आपने मुझे बताना है वो है कि नहीं, किस कंट्री ने, एशिया की कौन सी कंट्री ने उसे लॉन्च किया है और कितने की होगी पाकिस्तान प्राइस में, और उनकी कितने की प्राइस में होगी। ठीक है, ये गाड़ी मुझे लग रही है अमेरिका वगैरह की है। अमेरिका वगैरह कंट्री की ना? अमेरिका की लग रही है मुझे। ये इसका नाम क्या? अमेरिका की होगी या चाइना की होगी? अच्छा, मुझे ये बताएं ये इसकी प्राइस कितने? पहले ये मैंने एशिया का बताया था, वो एशिया के मुल्क की। आपको ये पता है एशिया में चाइना आता है, इंडिया भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, इस टाइम पाकिस्तान भी आता है। अब मुझे बताओ किस कंट्री ने ये लॉन्च की होगी गाड़ी? ये मुझे आई थिंक चाइना या अमेरिका की लग रही है, लेकिन चाइना चाइना तो आप कह सकते हैं, अमेरिका तो आपको पता है यूरोप कंट्री में। ये चाइना की लग रही है मुझे। अच्छा, मैं अगर कहूँ ये चाइना की नहीं है, ये आपके जो हमसाया मुल्क इंडिया की गाड़ी है, है? और इसकी प्राइस? अच्छा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसको किस गाड़ी के साथ कंपेयर करोगे आप? ये जो मैंने आपको गाड़ी दिखाई, ये तो आई थिंक 4x4 जो पाकिस्तान में चल रही है उसके मुकाबले में इंडिया ने की लॉन्च है। देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा, मैं भी आपको आगे मारुति की बात बताऊं। अच्छा, कितने की प्राइस होगी ये? कम से लग रही है कोई 50+ की लग रही है मुझे, कोई 50-60 लाख लग रही है। पाकिस्तान के इंडियन रुपीस का? इंडिया की, पाकिस्तान में आई थिंक 1 करोड़ तक होगी। आई थिंक जैसे दूसरी गाड़ियों के पाकिस्तान में रेट है उसकी, उसी मुकाबले में ये आई थिंक 1 करोड़ तक होगी। अच्छा, मैं आपको एक इसकी प्राइस बताऊंगा, ये इंडिया जो गवर्नमेंट ने 15 लाख रुपए की ऑटोमेटिक, 15 लाख इंडियन रुपीस 11 लाख इंडिया के डॉलर, यकीन नहीं आ रहा है। हाँ यार, आपको यकीन करना पड़ेगा। ये कब लॉन्च की है इन्हें वालों ने? 2022 में भी लॉन्च हो रही है। 2022 में बिल्कुल फ्रेश मॉडल है। नहीं यार, मैं बिलीव नहीं हो रहा आपको। बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर ये पाकिस्तान में होती कितने की होती गाड़ी? ये मैं बता दे रहा हूँ, कम से कम कोई 1 करोड़ तक होती है गाड़ी की। बहुत अच्छी गाड़ी नजर आ रही है मुझे। हाँ ना। बाकी जब आएगी तो इसके फंक्शन में पता तो चलेगा। तो इंडिया ने लॉन्च करनी, यहाँ पे कोई इम्पोर्ट हमारी चल रही है, हमारी तो इम्पोर्ट खत्म हुई है। अब मुझे बताए आपको बिलीव हुआ अभी भी कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। सच पूछे तो मुझे अभी तक 11 लाख रुपए गाड़ी पाकिस्तान में इस टाइम इस यही कंडीशन की किया स्पोर्टी ले लें आप, किया स्पोर्टी जो फॉर्च्यूनर ले लें, क्योंकि उसके जो है ना कंपेयर कर सकते हैं। वो कितने की गाड़ी है इस टाइम? वो तो 40-50+ की है। अगर यूज में भी आ लेते हैं तो कुछ 2-3 साल पुरानी लेते हैं तो फॉर्च्यूनर इस टाइम लाख से करोड़ से ऊपर है। बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल है उनकी 11 लाख की बिलीव हो गए। और आपको नहीं आ रही? ये उन्होंने आए थे कुछ क्या कहते हो, कोई डबल निकाल दिया। बाकी नहीं बिलीव करना पड़ेगा आपको 11 लाख रुपए की गाड़ी। नहीं हो रहा यार, भाई हमारे जो है ना चुप कर गए हैं, क्योंकि 11 लाख की गाड़ी है जो पाकिस्तान में फॉर्च्यूनर 1.5 करोड़ से भी ऊपर चली। भाई ये फॉर्च्यूनर से ज़्यादा बेस्ट लग रही है। जो बिलीव नहीं करना, भाई को बिलीव करना पड़ेगा। अब अगर नेक्स्ट भाई के पास चलते हैं, उनसे पूछे, उनका रिएक्शन लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? मेरा नाम दानिश। दानिश भाई, गाड़ियाँ पसंद है आपको? जी पसंद है। कोई रखी है अभी फिलहाल? रखनी है। अच्छा, कौन सी रखनी है? अल्ट्रा 1.6। अच्छा चलो ठीक।
अब मुझे बताएं पाकिस्तान में आपको गाड़ी कौन सी पसंद है? मुझे टोयोटा का अल्ट्रा सिस्टम पसंद है 1.6। अच्छा टोयोटा। अच्छा मैं आपको एक गाड़ी दिखाऊंगा कि एक एशिया कंट्री ने एक लॉन्च किया गाड़ी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग लॉन्च किया गाड़ी और बहुत ही मुनासिब प्राइस में। अब मुझे आपने बताना वो एशिया की कौन सी कंट्री है और आपने मुझे कंपेयर करना पाकिस्तान की कौन सी गाड़ी से आप कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, ठीक है? अच्छा ये मैं आपको पूछा इसको गाड़ी ना किया उसके साथ कंपेयर किया जा सकता है। ये इसकी बैक है, ये देखो किया। अच्छा, अच्छा ये बताएं ये किया के साथ आपने बताया किया स्पोर्टी, मुझे ये बताएं ये पाकिस्तान में कितने की गाड़ी होगी? ये पाकिस्तान में तकरीबन की होगी 76-80 लाख के करीब। ये मैं बता देता हूँ ये किस मुल्क की गाड़ी है, बताएं किस मुल्क ने लॉन्च किया इसको? लॉन्च किया होगा चाइना ने। चाइना ने लॉन्च किया। अगर मैं आपको बताऊं ये चाइना ने नहीं लॉन्च किया, ये इंडिया ने एक, तो इसकी इंडिया ने क्या प्राइस निकाली होगी? इंडिया ने हमारे लिए तो फिर तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर ही निकाली होगी। अपनी माम के लिए उन्होंने कितने की निकाली? मतलब वो इंपोर्ट होती है महंगी होती है, हमारी हमारी इंपोर्ट इंडिया के साथ बंद हो चुकी हुई है। पाकिस्तान और इंडिया की इंपोर्ट बंद हो चुकी है, हम कोई इंपोर्ट नहीं कर सकते। अपनी माम उन्होंने अपनी माम के लिए कितने की निकाली? अपनी माम के लिए उन्होंने फिर डबल ही चार्ज किया होगा, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान जब बिजनेस नहीं मिल रहा तो उन्हें वहाँ से तो फिर डबल चार्ज किया होगा। डबल चार्ज नहीं किया, बहुत ही मुनासिब प्राइस। कितनी कहेंगे आप, कितनी मुनासिब गाड़ी उन्होंने निकाली है ना अपने हिसाब से? कोई 60-70 लाख की। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने ये गाड़ी 11 लाख रुपए की लॉन्च की, इंडिया ने 11 लाख हैरान हो जाएगा। 11 लाख की? ये देखें समझ से बाहर है यार, 11 लाख की गाड़ी नहीं हो सकती। अच्छा ये पाकिस्तान में कितने की आपने बताया ये वाली गाड़ी कितने की होगी? ये 70-80 लाख 1 करोड़ आप क्या देख रहे हैं कि 11 लाख रुपए की गाड़ी और पाकिस्तान में 70 लाख की गाड़ी? यार ये शॉकिंग वाली बात है, ये ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे हो नहीं सकता? नहीं ऐसे नहीं हो सकता। चलो ठीक है, इनको अगर इंडिया की आवाम को जो आपको देख रही है उनको कोई मैसेज देना गाड़ी के हवाले से? उनको मैसेज देना चाहूँगा कि अगर ये गाड़ियाँ उधर लॉन्च कर रहे हैं तो हमारे पाकिस्तान में भी लॉन्च करें, ताकि यहाँ पर भी आपको बिजनेस मिल सके। यहाँ से यहाँ पे अगर हुई भी तो यहाँ पे डबल डबल टुकनी चार्ज होगा यहाँ से। हाँ जी, तो फिर इसको आप अपने मुल्क में रखें। चलो ठीक है। तो यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। तो आज हमने देखा भाई बहुत मजे की यार इन्होंने बातें की हैं और भाई बहुत ही अच्छा लगा। उसने बोला है कि यार पाकिस्तान में अगर उनको इम्पोर्ट नहीं होनी तो इंडिया से वो डबल लेंगे। हाँ, लेकिन यार इंडिया ने अपनी अवाम के लिए बहुत ही अच्छा किया है। मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया पाकिस्तान जैसा नहीं है, इंडिया अपनी अवाम के लिए सही सोचता है और हमारे अवाम जो है और हमारी हुकूमत जो है ना ये बंदे को निचोड़ लेती है, खून भी चूसती है हमारा। सही बात है इंडिया का, यार ये बहुत अच्छी बात है कि यार इंडिया में बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं यार। और यार इतनी सस्ती कीमतें आप खुद देख लो, इनको पता भी नहीं है कि यार ये चाइना बना रहा है कि इंडिया बना रहा है। किसी को आज तक इतना नहीं यार पता क्या इंडिया इतना यानी कि मैंने आपको पहले भी बोला था वीडियो में कि यार इन्हें इधर के लोग ऐसे है ना, मतलब यकीन नहीं करते। ये कहते हैं कि यार इंडिया हमारे जैसा ही है, लेकिन इंडिया हमसे 10 गुना 100 गुना ऊपर गया हुआ है, बेहतर है। और वो एशिया के कितने जो मुल्क हैं, बड़े बड़े मुल्क हैं, उसको भी टक्कर देने जा रहे हैं भाई। तीसरे नंबर पे अभी हो सकता है कुछ ही दिन मतलब इसके साथ यार रूस रशिया जो है ना, रशिया बहुत अच्छे दोस्त हैं ये आपस में, मतलब जुड़े हुए हैं ना है। जैसे पाकिस्तान में अभी चीजें नहीं आ सकती ना इधर, दूसरा इंडिया इंडियन चीजें इधर नहीं आ सकती और इधर की उधर नहीं जा सकती, नहीं हो सकता भाई। रशिया इतनी हेल्प कर रहा है ना ये इसकी, अमरीका तो यार छोड़ो वो तो करता है लेकिन थोड़ी बहुत करता है ना, लेकिन रशिया बहुत हेल्प कर रहा है। इंडिया भी तो देर है ना अभी पाकिस्तान भाई, चाइना से ज्यादा, चाइना जितनी हमारी हेल्प कर रहा है ना इससे ज्यादा ना रशिया डबल इंडिया की हेल्प कर रहा है और इंडिया उनकी हेल्प, इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है और हमारी जो है ना चाइना यहाँ पे हेल्प कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को हेल्प नहीं दे सकता।
तो ये बहुत कमाल की बात है। दूसरी ये गाड़ी बहुत कमाल की थी, बिल्कुल यार। ये पाकिस्तान में आप यकीन मानो इतनी प्राइस को हो तो हर बंदा ले ले, अमीर गरीब सारे ही ले ले, सारे भाई। इतनी प्राइस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं भाई। फोर डोर गाड़ी है, फैमिली कार है, और 2022 न्यू मॉडल। इसमें फ्यूचर कितने थे, बिल्कुल यार। हमें बहुत ही इसमें इंटरेस्ट हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।